हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 के अंदर हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, दो वेरिफिकेशन होते हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, एक तो होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब हमारे एडसेंस अकाउंट में, जी हाँ दोस्तों, एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होते थे तब हमें एक्शन का बटन दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, 2022 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, नया प्रोसेस आ चुका है। अब दोस्तों, हमारे स्टूडियो के अंदर जब $10 कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें यहां पर वेरीफाई नाउ का बटन दे दिया जाएगा और हमारे पास एक मेल भी आ जाता है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो वहां पर दोस्तों एक्शन का बटन मिल जाता है। दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपके YouTube स्टूडियो के अंदर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे वो एडसेंस के अंदर अपडेट हुए हों या नहीं, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है YouTube स्टूडियो के अंदर और यहां पर दोस्तों लिखा होता है, प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी और दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग, यानी आपका मोनेटाइज भी ऑफ हो सकता है अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास एक मेल भी आता है और आपके एडसेंस के अंदर भी एक्शन का बटन दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं। एडसेंस अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक्शन का बटन आ चुका है। दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पर जो पेमेंट इन्फो वाला जो ऑप्शन है, जहाँ पर हमारा पेमेंट का जो सेटअप होता है, उसको दोस्तों यहाँ पर ये ओपन कर देगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं वेरीफाई नाउ का यहाँ पर बटन मिल चुका है और आपके पास एक मेल भी आ जाएगा। दोस्तों, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई नाउ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, बिगिन वेरीफिकेशन। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर बिगिन वेरीफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए अपना नाम डालना है, जो भी लीगल नेम है, यानी जिस नाम से आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है, और जो भी डॉक्यूमेंट में नाम है वो यहाँ पर नाम आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। दोस्तों, सही से नाम डालने के बाद नीचे आपको दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और यहां से दोस्तों आप अपना वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहां से अपलोड आपको कर देना है। दोस्तों, आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड और ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी का फ्रंट साइड आपको अपलोड करना है। साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अपलोड करना है, चारों कोने उसके दिखने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर अपना एड्रेस डालना होगा, जो भी दोस्तों आपने अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर लगाया था। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं फटाफट से अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, आपको एड्रेस वगैरह डालने के बाद यहां पर दोस्तों सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जब ओके गो इट, यहाँ पर जो गो इट लिखा हुआ है, इस पर दोस्तों आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये गो इट नहीं होगा। आपको दोस्तों सिंपली इसे क्लोज कर देना है और आपने यहाँ पर गूगल क्रोम से बाहर आ जाना है। और जस्ट दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो दोस्तों वेरीफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। पहले दोस्तों 3 से 4 घंटा लगता था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों केवल 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास मेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन, आपका जो मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपना वेरिफिकेशन 2022 के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्टली अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, यूजर नेम है टेक्निकल कोची। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब दोस्तों, 1 या 2 वीक के अंदर यहाँ पर पिन आ जाएगा और हमारा जो एड्रेस वेरीफिकेशन है वो दोस्तों सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एड्रेस वेरीफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।